नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों हम कक्षा आठ की गणित लगा रहे हैं, कक्षा आठ की गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली संख्या 3.3 देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण गुड जो प्रॉपर्टी द्वारा पूरा कीजिए। यह है दोस्तों ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ए डी, ए डी यानी ये वाली लाइन। आप जानते हैं दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको कहा जाता है सम्मुख भुजाएं या अपोजिट साइड्स, है ना, आमने सामने की भुजाएं। तो ए डी किसके बराबर होगा दोस्तों? बी सी के। ठीक है, पहला हो गया दोस्तों, ये गुण है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज के, इससे हमने किया। यह है दोस्तों एंगल डी सी बी। दोस्तों ऐसे जो एंगल लिखते हैं उसमें जो बीच वाला होता है उस एंगल की बात की जाती है, डी डी सी और बी। यानी कौन से एंगल की बात हो रही है दोस्तों? कौन से एंगल की बात हो रही है? इस वाले। कह रहे ये एंगल, और दोस्तों आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की ना सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बल्कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसको कहा जाता है सम्मुख कोण, सामने के कोण, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों एंगल? डी ए बी के, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तीसरा देखते हैं, कह रहा है ओ सी, ओ सी, ओ सी किसके बराबर होगा? दोस्तों ये हमने दो चीजें जाने, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। अब तीसरी दोस्तों, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है ये समांतर चतुर्भुज की, कि इसके जो विकर्ण है, विकर्ण जो आपस में विच्छेद करेंगे, जहां काटेंगे, विच्छेद करेंगे वहां से विकर्णों को क्या हो जाता है? विकर्णों को बराबर भागों में बांट देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं मतलब दोस्तों ये जो, ये इसके विकर्ण, ये एक विकर्ण है बी डी, एक विकर्ण है दोस्तों ए सी। ठीक है, ये यहां ओ पे मिला, ओ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये गुणधर्म ये बता रहा है, ये गुणधर्म सिर्फ यही बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा, कि ये विकर्ण जो काटेंगे उसमें ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये विकर्णों को आपस में बराबर भागों में विच्छेद करेगा, ये जो है विकर्णों को काटने वाला, जहां विकर्ण आपस में कटते हैं वो बिंदु विकर्णों को बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो है OD, OD यानी ये वाला, ये वाला OD, ये बराबर हो जाएगा इसके OB के, OB के। इसका मतलब ये है, और जो है, और क्या होगा दोस्तों? और ये जो AO है, AO बराबर हो जाएगा OC के, AO बराबर हो जाएगा OC के। तो यहां क्या कह रहा है? OC, OC किसके बराबर है? AO के। ठीक है दोस्तों, चौथा है एंगल डी ए बी और एंगल सी डी, डी ए बी ये वाला एंगल और एंगल सी डी ए, एंगल सी डी और ए, सी डी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल है ना दोस्तों, ये वाला एंगल, ये वाला। दूसरे पेन से मैं कर देता हूँ, तो मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं या फिर पीला ले लेते। हाँ देखिए दोस्तों, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है? इनको कहा जाता है दोस्तों आसन्न कोण, आसन्न कोण, यानी कि एक ही, ये एक भुजा के दोनों तरफ वाले कोण। ये दोस्तों सी ए डी जो भुजा है, ये है ए डी, ए डी भुजा के साथ वाले जो कोण है, ये दोनों कोणों को यदि जोड़ा जाए तो 180 डिग्री आएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को दोस्तों, तो भी 180 डिग्री आएगा।
इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए तो भी 180 डिग्री आएगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आप दोस्तों ऐसी ही प्रॉपर्टी समलंब चतुर्भुज की भी पढ़े हैं। समलंब चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं होती हैं, पैरेलल होती हैं भुजाएं, उसमें भी ऐसे ही आसन्न कोण बनता है और वो उनको जोड़ने पे 180 डिग्री बनता है आसन्न कोणों का योग। ठीक है दोस्तों, ये चार प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की, यही चार प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न। कह रहा है समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात मानों का मान बताएं, ये जो अज्ञात कोण है समांतर चतुर्भुज है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। आप ये भी जानते हैं समांतर चतुर्भुज में दोस्तों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ये वाला जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी हम बात कर रहे हैं, आसन्न कोण, यानी कि एक ही भुजा के दोनों तरफ वाले कोण, तो ये आ जाएगा इससे 80 डिग्री। और ये 80 डिग्री है तो आमने सामने के बराबर होते हैं 80 डिग्री। ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ें तो भी 180 आना चाहिए, 100 निकला था तो ये 80। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो यदि ये 50 डिग्री है तो उसके सामने वाला ये भी 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं दोस्तों कि आसन्न कोण है, चाहे आप यहां से देख लें आसन्न कोण, ये 50 है, इन दोनों को अगर जोड़ें तो 180 आना चाहिए, तो 50 है तो ये 130 आएगा, या फिर आप यहां से भी आसन्न कोण देख सकते हैं, 50 और 30 180, और दोस्तों ये 130 है तो ये वाला भी 130 होगा, है ना। और ये 50 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये मिला के 180, तो ये भी 130 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये वाला 50, बाकी सभी 130 डिग्री हो जाएगा। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी पाके। धन्यवाद दोस्तों।